नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर असम में आए फ्लड्स की वजह से करीब 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 45 लाख से ज्यादा लोग डायरेक्टली इफेक्टेड हैं। 95% काजीरंगा नेशनल पार्क पानी के अंदर था जब ये फ्लड्स अपनी पीक पर थे। तो एक कुछ सुना सुना लग रहा है ना दोस्तों, ये एक्चुअली पिछले साल की कहानी थी। इस साल सेम सिचुएशन रिपीट हुई, हालत बद से बदतर हो गई। 120 से ज्यादा लोग मारे गए इस टाइम आसाम फ्लड्स में। और ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसे भयानक त्योहार की तरह है जो हर साल रिपीट हुए जा रहा है। हालत बद से बदतर हो जा रही है। 2012 में 124 लोग मारे गए थे फ्लड्स की वजह से नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में और आसाम में। 2015 में 42 लोग, 2016 में 28 लोग, 2017 में 85 लोग, 2018 में 12 लोग। साल भर साल लोग मारे जाते हैं, लाखों लोगों की जिंदगी पे इससे फर्क पड़ता है, लाखों लोग डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं और बहुत तो जानवर भी मारे जाते हैं इन नेशनल पार्क्स में। ये वीडियो मैंने पिछले साल बनाया था सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए कि ऐसा क्यों होता है और क्या इसके सॉल्यूशंस हैं, लेकिन एक साल बाद भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखा है सरकार की तरफ से। तो सुनिए दोबारा से कि क्यों होते हैं असम फ्लड्स हर साल और क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं और क्या प्रोग्रेस किया है हमने उस साल के कंपैरिजन में। सबसे पहली चीज हमें यह समझनी है दोस्तों कि असम हमेशा से इंडिया की मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट रहा है। यहां पर सबसे ज्यादा फ्लड्स आते हैं। इसके पीछे रीजन यह है कि ब्रह्मपुत्र जो नदी असम से गुजरती है वो एक बहुत ही अनस्टेबल नदी है, अपनी डायरेक्शन बहुत ज्यादा बदलती है वो। इनफैक्ट रिसर्चर्स ने पता लगाया था कि 1950s में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। उस अर्थक्वेक के बाद ब्रह्मपुत्र और भी ज्यादा अनस्टेबल बन गई थी। 1950 से लेकर 2010 तक करीब 12 मेजर फ्लड्स आए हैं असम में, लेकिन पिछले कुछ सालों में आप देखोगे ऑलमोस्ट हर साल कोई ना कोई मेजर फ्लड आ रहा है। इतने ज्यादा फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो अब सवाल यहां पर यह है कि फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ क्यों गई है और भी ज्यादा फ्लड्स क्यों आने लग रहे हैं। इसके पीछे रीजन से दोस्तों एक बड़े स्केल पे डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का काटा जाना, जंगलों का काटा जाना, अनप्लान्ड ग्रोथ, जो एनक्रोचमेंट की जा रही है फ्लड प्लेन्स की और वेटलैंड्स की। फ्लड प्लेन्स होते हैं दोस्तों, जब एक नदी बहती है तो उसके आसपास के एरिया को फ्लड प्लेन्स कहते हैं। जब नदी में ज्यादा पानी होता है तो वो पानी बह करके फ्लड प्लेन्स पे चले जाता है। अब बिल्डर्स ने और लोगों ने आकर घर बनाने शुरू कर दिए इन फ्लड प्लेन्स पे, डेवलपमेंट करनी शुरू कर दी। अब इसकी वजह से नदी के पानी को बहने की जगह नहीं मिलती, जिससे लोगों के घर में पानी चले जाता है। ड्रेनेज का सिस्टम प्रॉपर नहीं है एक और रीजन है, क्लाइमेट चेंज एक और बहुत बड़ा रीजन है, और एम्बैंकमेंट्स का सही तरीके से ना बनाना एक और बहुत बड़ा रीजन है। तो मैं दो मेन एरियाज पे यहां पर फोकस करूंगा, एक है एम्बैंकमेंट्स और एक है क्लाइमेट चेंज। अभी जो फ्लड्स की सिचुएशन है इसमें मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार के कुछ पार्ट्स और उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स भी अफेक्टेड है। केरला में हाई अलर्ट साउंड कर दिया गया है क्योंकि अगले 3 दिन में वहां पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल प्रिडिक्टेड है, फ्लड्स की सिचुएशन भी हो सकती है वहां पर। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है दोस्तों, एक्चुअली इंटरेस्टिंग वर्ड यहां पर यूज करना सही नहीं रहेगा, एक ये बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन है, क्योंकि पिछले 1 महीने में केरला में पानी की बहुत कमी थी। 46% डेफिसिट था रेनफॉल में, वाटर रिजर्वॉयर्स वहां की काफी लो लेवल पर थे, ऑलमोस्ट एक वाटर क्राइसिस आ रखी थी। और अब एकदम से यहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल प्रिडिक्ट कर दी गई है कि फ्लड्स भी आ सकते हैं। तो 1 महीने पहले यहां पर वाटर क्राइसिस चल रही है और अब एकदम से इतनी ज्यादा रेनफॉल की फ्लड्स भी आ सकते हैं। ये क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट इंपैक्ट है दोस्तों। क्लाइमेट चेंज की वजह से जितने दिन बारिश होती है साल में वो दिन कम होते जा रहे हैं, और जब बारिश होती है और भी ज्यादा इंटेंसिटी से होती है, तो एक्सट्रीम रेनफॉल के केसेस ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से फ्लड्स होते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ डेज रेनफॉल के कम होते जा रहे हैं जिसकी वजह से वाटर क्राइसिस की सिचुएशन भी बढ़ रही है, ड्राउट की सिचुएशन भी बढ़ रही है। यही सिचुएशन हमें कुछ दिन पहले दोस्तों मुंबई में भी देखने को मिली। जून 20th से लेकर जून 26th के बीच में मुंबई में 95% डेफिसिट था रेनफॉल का, लेकिन अभी जब बारिश हुई तो इतनी तेज हुई, इतनी एक्सट्रीम बारिश हुई कि सारी सड़कें पानी से भर गई, फ्लड्स आ गए मुंबई में भी। पिछले साल और इस साल के बीच में अगर आप पूरी सिचुएशन को एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो हालत इसमें भी बद से बदतर होते चले गए। ये जो नया EIA ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया था जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, इससे जंगलों को काटना और आसान हो जाएगा, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट एरिया में। और अगर जंगल काटे जाएंगे तो ये जो फ्लड्स आ रहे हैं इनमें ये फ्लड्स और भी बदतर बनते जाएंगे, जहां पे और भी ज्यादा लोग मारे जाएंगे। एक क्लियर कट रीजन है। तो सरकार ने यहां पर कुछ पॉजिटिव एक्शन लेने की जगह यहां पर नेगेटिव एक्शन लेने लग रही है सरकार। ऊपर से असम में जो देहिंग पार्ट का ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पर अभी कंट्रोवर्सी उठी थी कि सरकार उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर कोल माइनिंग करना चाह रही है, तो और जंगल को काटना चाह रही है। क्या होगा इससे, और फ्लड्स ज्यादा बढ़ेंगे ऐसे जो आ रहे हैं।
इम्बैंकमेंट्स, लेवी और डाइक्स, ये तीन नाम है दोस्तों एक ही चीज के। ये उस दीवार को कहते हैं जो नदी के किनारे बनाई जाती है नदी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए, उसको एक जगह डायरेक्ट करने के लिए और उसके आसपास के एरियाज की फ्लडिंग को रोकने के लिए। तो हिस्टोरिकली सबका मानना है ये कि बड़ा सिंपल तरीका है नदी को फ्लड होने से रोकने के लिए। अब ये कंक्रीट के भी बनाए जा सकते हैं, मिट्टी के भी बनाए जा सकते हैं। अब इम्बैंकमेंट बनाने में प्रॉब्लम क्या आती है, जब भी आप किसी बहाव को नैरो करने की कोशिश करेंगे, उसके एरिया को कम करने की कोशिश करेंगे, तो उस पानी के बहाव की स्पीड तेज हो जाएगी और उसका जो लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। आप इस फोटो में देख सकते हैं यहां पर सेडिमेंटेशन जो होती है एक रिवर में वो और ज्यादा होने लग जाती है अगर इस एरिया को कम कर दिया जाए जहां पर वो रिवर फ्लो कर रही है। तो ये जो सेडिमेंटेशन का बिल्डअप हो रहा है इम्बैंकमेंट के अंदर, अगर इसे निकाला नहीं जाएगा, इसकी मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं की जाएगी, तो रिवर का लेवल और ऊपर ऊपर होते रहेगा और फिर पानी इम्बैंकमेंट से बाहर बहने लग जाएगा। फिर इस एम्बैंकमेंट का कोई फायदा ही नहीं रह जाएगा क्योंकि बाहर वापस वैसे ही फ्लडिंग हो जाएगी। दूसरी चीज क्या होती है इसमें, जो लोग इस एम्बैंकमेंट के साइड में रह रहे हैं, इन्होंने अपने आकर घर बना लिए यहां पर, इनको एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। इन्हें लगता है कि अच्छा एम्बैंकमेंट यहां पर बना हुआ है तो रिवर इसी एरिया में फ्लो करती रहेगी, लेकिन इन्हें यह नहीं पता कि रिवर इस एम्बैंकमेंट के बनने से पहले एक बड़े एरिया में फ्लो किया करती थी, उसकी सेडिमेंटेशन एक बड़े एरिया में फैलती थी जिससे कि फ्लडिंग वहां पर ऑब्वियसली होती थी, एक फ्लड प्लेन था पहले। अब ये जो घर बन गए हैं इन पे फ्लड होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। जब एक एम्बैंकमेंट पानी को रोकने में फेल हो जाता है तो इसे कहते हैं एम्बैंकमेंट ब्रीचिंग। ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो है कि रिवर का लेवल इतना हाई हो गया है कि पानी ऊपर से फ्लो करने लग जाए, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे हो रहा है यहां पर, और दूसरा ये हो सकता है कि टूट जाए एम्बैंकमेंट, बीच में से एक होल आ जाए, किसी एक पॉइंट से वीक हो ये और वो होल से पानी फ्लो करने लग जाए, और अगर ऐसा हो गया तो पूरे एम्बैंकमेंट का कोई फायदा ही नहीं रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि एन एम्बैंकमेंट इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट पॉइंट, क्योंकि बस एक पॉइंट से टूटने की जरूरत है और पूरा वेस्ट है फिर ये, एक पॉइंट से टूटा और हर जगह फ्लड फैल जाएगा। इसीलिए इन्हें बहुत केयरफुली बनाना पड़ता है, हाई स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए। अगर कंस्ट्रक्शन करते वक्त कोई भी जुगाड़ किया यहां पर तो ये पूरा टूट सकता है, रेगुलर मेंटेनेंस की इसे और जरूरत होती है। तो असम में दोस्तों नदी के किनारे 450 एम्बैंकमेंट्स हैं, उनमें से आधे से ज्यादा एक्सट्रीमली वल्नरेबल कंडीशन में है दोस्तों, यानी वो टूट सकते हैं, आसानी से टूट सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि असम में एक एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्ट्रैक्टर नेक्सस भी चल रहा है कि जब भी फ्लड्स आते हैं तो कुछ लोग यहां पे बहुत पैसा कमाते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स इन एम्बैंकमेंट्स को बनाते हैं, हर फ्लड्स आने के बाद ये नए बनाए जाते हैं जिसकी वजह से ये बहुत पैसा कमाते हैं यहां पर। द हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट ने बताया कि इस साल के फ्लड्स में 197 से ज्यादा एम्बैंकमेंट्स डैमेज हो गए या ब्रीच हो गए, जो हमें फिर से दिखाता है कि ये जो एम्बैंकमेंट्स हैं इन्हें सही तरीके से रिपेयर नहीं किया जा रहा है, सही टाइम पे रिपेयर नहीं किया जा रहा है और सही तरीके से बनाया नहीं जा रहा है इनको। 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज ने डिसाइड किया था कि 1300 किलोमीटर लॉन्ग एक हाईवे बनाया जाएगा ब्रह्मपुत्र के किनारे असम में, और इस हाईवे के किनारे दोस्तों एक एम्बैंकमेंट भी होगा जिससे कि फ्लडिंग को प्रिवेंट किया जा सके। अभी 2017 की खबर के बाद इसमें कोई अपडेट दिखा नहीं है कि इसका क्या प्रोग्रेस चला गया है, लेकिन इतने बड़े हाईवे और इतने बड़े एम्बैंकमेंट को बनाने को लेकर कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी हैं। बहुत से इन्वायरमेंटलिस्ट ये भी कहते हैं कि एम्बैंकमेंट्स को बनाने से फ्लडिंग और ज्यादा बढ़ जाती है। इसका रीजन वही है दोस्तों जो मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि फ्लो रिवर का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और अगर इन एम्बैंकमेंट्स को सही तरीके से नहीं बनाया गया तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लो आएगा रिवर में, और भी ज्यादा इंटेंसिटी से टूटेंगे जिससे कि आसपास के रहने वाले लोगों पर और ज्यादा फ्लड्स आएंगे, डिस्ट्रक्शन होगी। 2018 की एक स्टडी ने बताया था कि यूएस में जो मिसिसिपी रिवर है वहां पर एम्बैंकमेंट्स की वजह से, रिवर इंजीनियरिंग की वजह से 75% ज्यादा चांसेस बढ़ गए हैं फ्लड्स आने के। वो फ्लड्स जो 100 साल में एक बार आते हैं उनके आने के 75% ज्यादा चांसेस बढ़ गए हैं इन एम्बैंकमेंट्स की वजह से। तो अब सवाल यहां पर ये उठता है कि सॉल्यूशन क्या हुआ। सॉल्यूशन छुपा है दोस्तों नेदरलैंड्स में। नेदरलैंड्स दुनिया की बेस्ट कंट्री है फ्लड कंट्रोल के मामले में। इसका सबसे अच्छा प्रूफ आप देख सकते हो इन दो फोटोज में। पहली फोटो है 1300s की, दूसरी फोटो है 2019 की। 700 सालों में आप देखिए कितना लैंड इन्होंने रिक्लेम किया समुंदर से, यानी जो जगह पहले पानी के अंदर डूबी हुई थी इन्होंने उस लैंड को वापस बाहर निकाल लिया पानी के अंदर से। और ऐसा करने पे ऑब्वियस सी बात है इन एरियाज में फ्लडिंग के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि ये एक्चुअली में समुंदर हुआ करता था पहले। तो जाहिर सी बात है इन्होंने बहुत ज्यादा फ्लड कंट्रोल मेजर्स लिए, बहुत बड़ी बड़ी चीजें करी इन्होंने
ये सब अचीव करने के लिए। इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि डच पॉपुलेशन को राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्लडिंग है। सोच सकते हो मतलब कितनी सीरियसली लेते हैं ये इस चीज को कि इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिख डाला। इनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं फ्लड सेफ्टी को लेकर। जब भी ये कोई नया फ्लड कंट्रोल मेजर लेते हैं तो ये सोचकर लेते हैं कि कोई ऐसा भारी और इंटेंस फ्लड जो 10,000 सालों में एक बार आता है, हमारा देश उससे भी बचे रहे, हमारा कोई भी शहर उस फ्लड के अंदर भी फ्लड ना हो यहां पर। फॉर कंपैरिजन यूएसए में स्टैंडर्ड है 100 सालों का 100 ईयर फ्लड्स को प्रिवेंट करने के लिए, नेदरलैंड्स में 10,000 ईयर के फ्लड्स को प्रिवेंट करने के लिए। इन्होंने बहुत से बड़े और छोटे काम किए हैं सब अचीव करने के लिए। इनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है फ्लड प्रिवेंशन के मामले में, हाईटेक सेंसर्स लगा रखे हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं इन्होंने। लेकिन मैं इन सब चीजों की बात नहीं करना चाहूंगा, मैं इनकी एक बहुत छोटी और बेसिक चीज पर फोकस करना चाहूंगा। पिछले कुछ सालों में नेदरलैंड्स ने एक प्रोजेक्ट निकाला था, रूम फॉर रिवर प्रोजेक्ट। इन्होंने रियलाइज किया कि बड़ी बड़ी मशीनें बनाना, बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाना हमेशा अच्छा नहीं होता है। एक रिवर के नेचुरल एनवायरनमेंट और उसके फ्लो पर फोकस करना और उसको देखकर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना काफी बेहतर रहता है इन द लॉन्ग टर्म और काफी सस्ता भी पड़ता है। सबसे सिंपल चीज इन्होंने क्या करी कि इन्होंने एम्बैंकमेंट्स को और दूर रिवर से रिलोकेट कर दिया, यानी रिवर को एक ज्यादा एरिया मिला फ्लो करने के लिए। तो जो भी छोटे मोटे चेंजेस आएंगे रिवर के फ्लो में तो वो ज्यादा बड़े एरिया पे स्प्रेड कर पाएगी और जो सेडिमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही थी वो भी इससे कहीं ज्यादा रुक गई। तो बहुत दूर एम्बैंकमेंट्स इन्होंने बनाए और जो अंदर का एरिया था, फ्लड प्लेन का एरिया था, इन्होंने वहां पर पेड़ उगाने शुरू कर दिए। ये जो नेचुरल ग्रीनरी है, नेचुरल फॉरेस्टेशन है, इसकी वजह से और भी ज्यादा फ्लड प्रोटेक्शन मिली एम्बैंकमेंट से पहले। तो आज के टाइम पे दोस्तों नेदरलैंड्स में जो नदियां हैं वो कुछ ऐसी दिखती हैं, देख सकते हो कितना ग्रीन एरिया है इनके आसपास और एम्बैंकमेंट्स जो बनी हुई है वो कितनी दूर बनी हुई है यहां पर रिवर्स से। दूसरा इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फ्लड प्लेन्स का लेवल और नीचे करना शुरू कर दिया, इससे रिवर का जो हाइट है, रिवर को और ज्यादा हाइट मिल गई अपनी फ्लो करने के लिए। जो रिवर बेड भी है उसे भी और ज्यादा खोद कर और नीचे तक कर दिया गया ताकि रिवर को ज्यादा स्पेस मिल पाए फ्लो करने के लिए, और कोई भी अगर ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे रिवर के पाथ में तो उनको रिमूव कर दिया गया। जैसे ये एग्जांपल देख सकते हैं आप, इससे रिवर को फ्री फ्लो करने का मौका मिल गया। ये फ्री फ्लोइंग एक ऐसी चीज है दोस्तों जो मुझे याद आ रहा है, मैंने अपने पुराने गंगा के वीडियो में बताई थी, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल भी फ्री फ्लोइंग गंगा की बात किया करते थे। उसके बाद वाटर स्टोरेज के लिए स्पेशल एरियाज बनाए गए, जहां पर फ्लडिंग होगी वहां पे एक रिजर्वॉयर बना दिया गया कि फ्लड अगर होगा तो सारा पानी वहां पर जाकर कलेक्ट होने लग जाए एक जगह। तो ये कुछ सिंपल सी स्टेप्स हैं दोस्तों जो नेदरलैंड्स ने अपने रूम फॉर रिवर प्रोजेक्ट में ली थी। मुझे लगता है इसको इंडिया में इंप्लीमेंट करना इतना मुश्किल नहीं होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि जब सरकार अपने ये इतने लंबे हाईवेज बना रही है और एम्बैंकमेंट्स बना रही है उन पर, तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखे, रिवर को फ्री फ्लो करने के लिए ज्यादा एरिया दिया जाए जिससे फ्लड प्रिवेंशन और आसानी से हो सके। और मैं उम्मीद करूंगा एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये फ्लड्स होने बंद होंगे और हम इतने सारे लोगों की जान बचा पाएंगे यहां पर। और आसाम में रहने वाले लोगों के लिए मैं एक लिंक शेयर करना चाहूंगा, ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसमें आप देख सकते हैं फ्लड हजार्ड जोनेशन, इसरो ने डेटा कलेक्ट किया है ओवर द इयर्स देखने के लिए कि कौन से एग्जैक्टली एरियाज हैं जहां पर फ्लड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल इसरो ने सैटेलाइट इमेजेस कलेक्ट करी हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की। जब नॉर्मल होता है एरिया तो ऐसा दिखता है, जब इसमें फ्लड्स आते हैं तो ये नेशनल पार्क इतना पानी के अंदर हो जाता है। तो अलग अलग एरियाज की ये इमेजेस कलेक्ट करके इन्होंने एक स्टडी बिल्डअप करी जिससे फाइनली ये कंक्लूजन निकाला कि ये कुछ एरियाज हैं जहां पर ज्यादा चांसेस हैं फ्लड्स आने के, कुछ एरियाज हैं जहां पर कम चांसेस हैं फ्लड्स आने के। तो डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट यहां पर इस वेबसाइट में पीडीएफ दिए गए हैं। इन पीडीएफ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कि कौन से एरियाज में आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत हाईली वल्नरेबल हैं आपकी इन फ्लड्स के लिए, कौन से ज्यादा सेफ हैं कंपैरेटिवली और कौन से एरिया से आपको दूर रहना चाहिए। तो इसे तो हम लोग बस उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल सरकार जागेगी और सेम सिचुएशन अगले साल रिपीट नहीं होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जो सॉल्यूशंस मैंने बताए ये काफी इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे आपको। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट के लोगों तक ये बात पहुंचे और वो कुछ सॉल्यूशंस को एक्चुअली में इंप्लीमेंट करें ताकि ये सिचुएशन अगले साल रिपीट ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।